Good morning, class. Myself, Disha Jangir, and I am taking your physical education subject. As we know, we have 10 chapters in this subject. Chapter number 1 Planning in Sports, Chapter number 2 Sports and Nutrition, Chapter number 3 Yoga and Lifestyle, Chapter number 4 Physical Education and Sports for Children with Special needs Chapter number 5 Children and Women in Sports, Chapter number 6 Test and Measurement, Chapter number 7 physiology and injury in sports chapter number 8 biomechanics and sports chapter number 9 psychology and sports and chapter number 10 training in sports we are going to start chapter number 1 planning in sports actually we have 6 key points of in, the, in this chapter first is meaning and objective of planning second various committee and their responsibility third tournament

प्लानिंग कहते हैं अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो घर पे जो शादी का प्रोग्राम होता है तो शादी के प्रोग्राम को कंप्लीट करने से पहले या शादी का प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम लोग घर जो लोग, के जो लोग सीनियर सिटीजन होते हैं रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं बैठ के जो मीटिंग करते हैं और काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिवाइड करते हैं कि शादी के कामों में कोई दिक्कत नहीं आए और काम स्मूथली रन करे दैट इज़ प्लानिंग प्री प्रिपरेशन फॉर एनी वर्क एंड टास्क कॉल्ड प्लानिंग यहीं पर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की चैप्टर का नाम है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स तो डेफिनेटली हम प्लानिंग करेंगे अब स्पोर्ट्स के लिए जब भी स्पोर्ट्स भी का कोई टोर्नामेंट हम ऑर्गनाइज करते हैं तो उससे पहले हम बैठते हैं टोर्नामेंट से रिलेटेड बातें करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि हम कमेटी में पढ़ेंगे आगे अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग में हम पढ़ेंगे पहला ऑब्जेक्टिव है आपका टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमिडिएटली अगर हम प्लानिंग करते हैं किसी भी काम को करने से पहले तो डेफिनेटली ये उससे रिलेटेड जो भी प्रेशर होता है अननेसेसरी प्रेशर वो रिलीज हो जाता है माइंड फ्री हो जाता है अगला होता है टू मेंटेन ए गुड कंट्रोल एक्चुअली अगर हम प्लानिंग करेंगे तो हमारा उस हमारी जो कमांड होगी उस सब्जेक्ट में या उस वर्क में वो प्रॉपर वे में होगी हम कॉन्फिडेंट रहेंगे और बिना कोई परेशानी के उस काम को स्मूथली रन करेंगे प्रॉपर कॉर्डिनेशन जब भी हम प्लानिंग पहले से कर लेंगे तो हमारी बॉडी और माइंड कोऑर्डिनेट करेगा उस काम को प्रॉपर करने के लिए विदाउट एनी मिस्टेक नेक्स्ट होगा टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक अगर हम पहले से प्लानिंग कर लेंगे तो उस काम में गलतियाँ होने के चांसेस बहुत कम या ना के बराबर रहेंगे अगला है टू इन्हेंस एफिशिएंसी अगर आप प्लानिंग करते हैं तो आपकी वर्क एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इन्हेंस क्रिएटिविटी डेफिनेटली अगर आप पहले से प्लानिंग करके बैठेंगे तो आपके माइंड में बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे आपकी क्रिएटिविटी भी इनहेंस होगी एंड एनहेंस योर स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस अगर आप पहले से प्लानिंग करते हैं तो आपकी जो स्पोर्ट्स रिलेटेड परफॉर्मेंस होती है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़ जाती है इसी में हम अब आगे पढ़ेंगे टॉपिक हमारा कमिटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्चुअली कमिटीज़ होती क्या है एक्चुअली कमिटीज़ कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जो कामों को मैनेज करता है और स्मूथ बनाता है एंड सक्सेस करता है कमिटीज़ के अलग अलग काम होते हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कमेटी में जो काम होते हैं हमारे मोस्टली कई कमेटियाँ होती है कमेटी का जो हैड होता है वो एक डायरेक्टर होता है जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पहले स्कूल का स्कूल में जैसे हेड होते हैं डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स के बाद में प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल उसके बाद में इंचार्जेज आफ्टर दैट टीचर्स आफ्टर दैट वॉलेंटियर्स एंड स्टूडेंट्स तो सेम ऐसे जो चेन सिस्टम चल रहा है काम को स्मूथ करने के लिए के, क्योंकि अगर एक पर्सन को दी जाती है पूरे काम को संभालने की या करने की तो गलतियाँ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेशर बढ़ जाता है एंड काम भी पूरा सही तरीके से हो नहीं पाता है तो इसीलिए पावर को डिवाइड किया जाता है कि काम को स्मूथली एंड प्रॉपरली किया जा सके तो यहाँ पे हम डिफरेंट काइंड ऑफ कमेटी बनाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल पर्सनस की रिस्पॉन्सिबल लोगों की टीम होती है और काम को वो स्मूदली रन करती है तो स्पोर्ट्स के लिए सपोज हम बात करें तो हम कमेटी बनाएंगे उस कमेटी में हम कई लोगों की कमेटी बनेगी जैसे कि फर्स्ट आपकी जो कमेटी है वह टेक्निकल कमेटी अब टेक्निकल कमेटी का काम क्या रहता है जैसे भी हम कवर कर रहे हैं वीडियो बना रहे हैं फोटो क्लिक कर रहे हैं माइक सिस्टम हो गया आपका वाईफाई हो गया तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करना चेक करना कि कहीं पर तो कोई एरर तो नहीं आ गया सिग्नल वीक तो नहीं हो रहा है अगला है ट्रांसपोर्ट कमेटी ट्रांसपोर्ट कमेटी, कमेटी का जो काम रहेगा प्लेयर्स को लाना ले जाना हो गया कोई भी सामान लाना है उसके लिए व्हीकल की जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करानी है ये सारा काम ट्रांसपोर्ट कमेटी देखती है यहीं पर हम बात करते हैं रिसेप्शन कमेटी रिसेप्शन कमेटी का काम होता है चीफ गेस्ट का वेलकम करना ओपनिंग सेरेमनी क्लोजिंग सेरेमनी अरेंज करना एंड जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके फॉर्म्स को फिल करना एंड वेरीफाई करना है यहीं पे है बोर्डिंग एंड लोडिंग कमेटी इसका काम होता है जो भी टीम मेट आ रहे हैं टीम प्लेयर्स आ रहे हैं कोचेज आ रहे हैं उनके रहने की खाने की पीने की व्यवस्था करना अरेंजमेंट्स आ रही है लोडिंग एंड बोर्डिंग कमेटी देखती है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी का काम होता है कि ग्राउंड को मैनेज करना बारिश आ रही है तो उसको कवर करना खड्डे हो गए तो उसको रिपेयर करना ठीक है एंड एक्यूपमेंट यानी रिलेटेड टू स्पोर्ट्स एक्यूपमेंट प्रोवाइड करवाना इसी में आपकी जो अगली कमेटी है वो है मेडिकल एंड फर्स्ट एड कमेटी मेडिकल एंड फर्स्ट एड कमेटी का काम होता है कि अगर स्पोर्ट्स में कोई पर्सन बीमार या इंजर्ड हो गया है तो उसको तुरंत हील करे ये काम होता है फर्स्ट एड कमेटी का अगली कमेटी है प्रोटेस्ट कमेटी है सेम ऐसे पब्लिसिटी कमेटी है पब्लिसिटी कमेटी का प्रोटेस्ट कमेटी का काम होता है कि जो भी जजमेंट्स होते हैं उनको दोबारा से देखना एंड उनको डिसीजंस को क्लियर करना क्लियर करेगी अगला पब्लिसिटी कमेटी जिसका काम होता है एडवर्टाइजमेंट करना जब भी कोई काम होता है या कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है तो उसका प्रचार प्रसार करना बहुत जरूरी होता है तो पब्लिसिटी कमेटी का काम का का यही रहता है कि वो कहाँ पे होर्डिंग लगाने कहीं पे पोस्टर लगाने कहीं पे न्यूज़ में देना है ये सारे काम पब्लिसिटी कमेटी करती है फिनेंस कमेटी का काम होता है का बजट बनाना फिनेंस कलेक्ट करना रेफ्रेशमेंट कमेटी का काम होता है प्लेयर्स को एंड कोचेस को रेफरीज को चीफ गेस्ट को रेफ्रेशमेंट प्रोवाइड करवाना ऐसे ही बहुत सारी कमेटियाँ और भी बनती है जिनके अलग अलग काम होते हैं रिक्रिएशन कमेटी जिसका काम होता है प्लेयर्स के इंटरटेनमेंट के लिए डीजे नाइट कराना कैंप फायरिंग ऑर्गेनाइज कराना ये बहुत सारे काम होते हैं और वेरियस कमेटीज़ होती है जिनके अलग अलग काम होते हैं और वो अपने अपने कामों को सही तरीके से कंप्लीट करती है ओके डिया थैंक यू फॉर दिस क्लास